नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। तो रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। तो जगदलपुर में मुख्यालय के पास दंतेश्वरी मंदिर के सामने भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि 3000 करोड़ के शराब घोटाले मामले को लेकर राज्य सरकार के विरोध में जमकर प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आबकारी मंत्री कवासी लखमा का पुतला भी दहन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में जिले के भाजपा महिला मोर्चा के सदस्य भी मौजूद रही। कांग्रेस की सरकार आई तब 36 वादे किए थे, उसमें से ये शराबबंदी मेन थी। शराबबंदी कराएंगे बोले और अभी तक कर नहीं रहे हैं। इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान हैं। आज की सरकार क्या कर रही है, नींद में सो रही है, कुछ नहीं कर पा रही है। झूठे वादा किए हैं और वादा करके वादा को पूरा नहीं कर रही है। कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल का देन है और उनके संरक्षण में ही ये घोटाला हुआ है। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है हमारी माताएं बहनें। इनको नकली शराब भी दिया गया है जिसके कारण कई लोगों की मौत हुई है। उसका जिम्मेदार पूरा भूपेश सरकार है। और भूपेश सरकार ने ये कहा था कि हम महिलाओं के लिए घोषणा पत्र में कहा था कि महिला पूर्ण शराबबंदी करेंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। और इतना बड़ा घोटाला, 2000 करोड़ शराब घोटाले का काम किया है, जो कि अनवर ढवेर के माध्यम से वो उसको मेन किंग बना के और मुख्यमंत्री के संरक्षण में रह के वो इतना बड़ा काम किया। और उनके उनको 7 बार संबल भेजा गया, लेकिन वो उस नोटिस का जवाब नहीं दिया, ना ही वो कोर्ट। वहीं जगदलपुर विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए। इस पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वो शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य के बेरोजगार युवकों के परम हितेशी हैं। उन्होंने PSC समेत राज्य के अन्य सभी पदों पर होने वाले भर्तियों को परीक्षा को शुल्क मुक्त करने को कहा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये पाठ हर छात्र के जीवन में उसे आगे बढ़ाने का काम करता है। इसी के साथ उन्होंने विजयी छात्रों को पुरस्कार भी बांटे। जगदलपुर में जनता कांग्रेस जिला अध्यक्ष और बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के प्रमुख संयोजक नवनीत चांद के नेतृत्व में ग्राम पंचायत जटाम का आश्रित ग्राम डोगाम तुसेल के साथ पंचायत कोरपाल के ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां नवनीत के नेतृत्व में अपर कलेक्टर से मुलाकात कर मुख्य रूप से शुद्ध पेयजल व्यवस्था और सड़क पुलिया बार उत्खनन की मांग को लेकर चर्चा भी की और साथ में उक्त मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। पंचायत तुसेल के आश्रित गाँव कोरपाल के लोगों ने मुलाकात की, जहाँ एक तरफ क्षेत्रीय विधायकों के भ्रमण के दौरान विभागीय जिम्मेदार होर्डिंग के माध्यम से सरकार के विकास की बयार की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर समस्याओं का अंबार है। उन समस्याओं को अधिकारियों को ध्यान आकर्षण करने के लिए आज बस्तर अधिकार मुक्ति। वहीं जगदलपुर में संवैधानिक अधिकारों को लगातार हनन को लेकर ईसाई समुदाय ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर आयोजन किया, जिसमें पुरानी कृषि मंडी परिसर में रैली निकाली गई, जिसके बाद प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया। समाज के लोगों का आरोप है कि 2 वर्षों से ईसाई समाज से जुड़े लोगों को सताया जा रहा है। इस बात की शिकायत पुलिस और प्रशासन से किए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई और उनके मूलभूत अधिकारों का हनन किया जा रहा है। वहीं दंतेवाड़ा के ग्राम जावंगा निवासी लक्ष्मण कवासी गीदम मेले से लापता हो गए और पुलिस ने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराकर जांच में जुट गई। बता दें कि नाकापारा वार्ड क्रमांक 13 स्थित दुर्गा प्रसाद गुप्ता के सूने मकान में पुलिस को गुमशुदा लक्ष्मण कवासी का शव अधजले अवस्था में मिला। वहीं अब इस मामले में पुलिस ने खुलासा किया है कि जिसमें आरोपी महेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी ने मृतक युवक से कुछ पैसे उधार लिए थे, जिसको लेकर उनके बीच विवाद चल रहा था। जिसकी पहचान गुमशुदा लक्ष्मण कवासी निवासी जावंगा के रूप में हुई थी, जो 16-17 के मध्य रात्रि जो गीदम में वार्षिक मेला था उस दिनांक से गायब था और जिसको अंतिम बार गीदम निवासी महेंद्र गुप्ता शक्तिमान के साथ देखा गया था। सारे परिस्थिति जन्य साक्ष्य आरोपी शक्तिमान के विरुद्ध थे।
छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।